वेलकम टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, आज का जो मौजू है, और ये मौजू बड़ी अहम है, अहम तरीन मौजू है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी तकरीबन हर इंसान को किसी न किसी दौर में कहीं ना कहीं होते हैं। ये दोनों इतने बदतरीन मसाइल है जो कि इंसान की ज़िंदगी को इंतहाई बुरी तरफ और बहुत गलत तरफ ले जाते हैं। और ये स्ट्रेस बहुत बुरी बीमारी है, एंजाइटी जो है एक बहुत बड़ा मसला है और आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा है। तकरीबन आज स्ट्रेस और एंजाइटी 99% लोगों में स्ट्रेस देखा गया है, और स्ट्रेस जो है ये एक बहुत बुरी बीमारी है। अब हम आते हैं सबसे पहले स्ट्रेस पे कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस किसी आसबी दिमागी दबाव को कहते हैं जो आपको दबाव यानी आप पर होती है कि दबाव ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। एक तो हम हर वक्त हर लहजा दबाव में है, हर वक्त। दबाव के दो एक्साम हैं, एक वो किस्म जो कि हम हमेशा किसी चीज़ के दबाव में हैं, मिसाल के तौर पे एनवायरनमेंट के दबाव में हैं। हम दबाव में हैं कि हमें अपनी फ़राइज़ को सर अंजाम देने होते हैं। हम इस दबाव में हैं कि हम अपने बहुत से काम को करना होता है। इस दबाव को हम वो स्ट्रेस नहीं कह सकते हैं, वो दबाव नहीं कह सकते हैं। ये तो हमारी फ़र्ज़ है, अच्छी तरीके से हम सरंजाम दे सकते हैं। कुछ दबाव होते हैं जो महलक यानी जो बदतरीन और जो नाकिस दबाव होते हैं और मुसलसल रहते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस जो है आजकल तकरीबन बहुत से लोगों में है, क्योंकि आजकल मशीनी मसनूई दुनिया है और इस दुनिया के साथ रहते हुए ज़रूर कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस का शिकार है, दबाव के शिकार है। बहुत ज़्यादा हम बिजी होने, अननेचुरल लाइफ गुजारने की वजह से हम स्ट्रेस के शिकार है, और उस दबाव होते हैं हमारे सर पे, और दबाव हमेशा जब मुसलसल रहते हैं ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन में इंसान को ले जाते हैं। यानी स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन की अलामत एक यानी बायस बन सकता है डिप्रेशन के, और शदीद डिप्रेशन में इंसान को ले जा सकते हैं। हर चीज़ को लोग कहते हैं कि शायद डिप्रेशन, छोटी सी परेशानी हो जाती है तो वो समझते हैं कि शायद हम डिप्रेशन का शिकार हैं। मगर डिप्रेशन एक अलग दुनिया है। छोटे से टेंशन हो तो वो कहते हैं हम डिप्रेशन में चले जाए। चूँकि अवेयरनेस नहीं है डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के, लोगों को अवेयर नहीं है इस चीज़ से कि वो कैसे पहचाने स्ट्रेस को, एंजाइटी को कैसे पहचान सके, डिप्रेशन को कैसे पहचान सके, बाकी नफ्सियाती मसाइल को कैसे पहचान सके, क्योंकि ज़्यादा गाइडेंस नहीं है। इस वजह से इंसान अपने जो बीमारियां हैं वो ना समझे बग़ैर भटकते रहते हैं मालिजिन पे, इधर से उधर इलाज नहीं होता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के तरीके बताते हैं, इलाज नहीं होते है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि स्ट्रेस का इलाज कैसे, और स्ट्रेस को कैसे हम कम कर सकें। स्ट्रेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जा सकता है, स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकते हैं, मगर स्ट्रेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो बुरी स्ट्रेस है वो हम फिनिश कर सकते हैं, मगर जो सही स्ट्रेस है जो कि हमें कभी कभी होने भी चाहिए वो नहीं कर सकते। मसलन हमने मेहनत करना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने ज़िंदगी में कुछ करना है, तो कुछ हमारे एम है, हमारे गोल्स है जो हमें अचीव करना है। अगर उस स्ट्रेस में है आप तो इसका मतलब है आप आगे बढ़ रहे हैं। वो स्ट्रेस यानी अपने ऊपर मनफी अपने ऊपर लेना वो सही नहीं है। अगर आप मनफी ऊपर लेते हैं
मायूसी उसमें और बहुत से आपको नफ्सियाती तौर पे आप अपने आप को दबाव में रखते हैं, खुश नहीं रहते हैं, कामयाबी पे आपके फोकस नहीं है, तो वाकई आप स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। स्ट्रेस को जानना बहुत ज़रूरी है। अभी इसी पे बात करते हैं। असलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, स्ट्रेस एंजाइटी। मैं ये बात करना चाह रही थी कि आपका टॉपिक आज का बड़ा खूबसूरत है, स्ट्रेस और ये रहनिया, ये तो हर तरफ आम फैला हुआ है। सही तो, सही आपकी बात को सुनने के बाद मैं काफी इंप्रेस हुई, तो मैंने कहा कि मैं भी अपने ख्याल शेयर करूँ। एक तो ये है कि हम लोग ने स्ट्रेस अपने ऊपर खुद इसलिए ले लिए है कि एक्स्ट्रा किस्म की जिम्मेदारियाँ, एक्स्ट्रा किस्म के मोदो नुमाइश को हम लोग ने अच्छी अच्छा बिल्कुल यानी आप समझते हैं कि हमने बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ली हुई है कि क्या आप अच्छा ए लेवल बच्चों को ए लेवल आना चाहिए, वालदैन को स्टेटस सिंबल अपना ये बरकरार रखना है, हमने गाड़ी लाजमी रखनी है, हम बाइक दे सकते हैं, इस तरह की ये जो बातें हैं ना, ये हमने अपनी साथी को छोड़ के ना हमने स्ट्रेस को इस तरीके से अपने ऊपर ज्यादा हावी कर दिया। देखिए ये तो चाहते हैं, इसको स्ट्रेस नहीं कह सकते, ये तो हमारे चाहत है, हमारे एम है, और गोल को अचीव करना अपने पे थोड़ा सा अगर इंसान को इस तरह एम को हासिल करना अगर थोड़े से स्ट्रेस हो तो वो तो कोई उसको हम वो जो बीमारी यानी वो जो खराब स्ट्रेस है इसको वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारा एम है। स्ट्रेस उसे कहते हैं जो कि आपको पर जो बीमारी की सूरत में हम लेते हैं, कोई भी चीज़ बीमारी की सूरत में लेते हैं, और हम ये नहीं चाहते हैं कि मिसाल हम जो चीज़ हासिल कर रहे हैं उन्हें हमें मेहनत करना है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना, ये सलाहियतों को इस्तेमाल करना, इसका जो दबाव थोड़ा बहुत इंसान पे होती है इसी स्ट्रेस नहीं कहते हैं, इसी एक जो है ना एक चाहत कहते हैं, और मेहनत करना पड़ता है, थकावट कभी कभी अच्छे होता है, जिस्मानी बहुत अच्छे होता है जी, स्ट्रेस को चैलेंज जी। मैंने फील साइंसेस के हवाले से आपकी बुक्स पढ़ी नहीं है जी, लेकिन मुझे आपकी से ये बात समझ नहीं आई कि आपकी क्लासेस में किस तरह अटेंड करूं। जी बिल्कुल, आप लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में हमारे सेमिनार्स को अटेंड कर सकती है, और इंशाल्लाह आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, jilsciences.com, drabdulsamad.com, इसको आप कर सकते हैं, वहाँ पर शेड्यूल भी होती हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह जी। स्ट्रेस का बात हो रही थी, अब हम आते हैं एंजाइटी पे। एंजाइटी एक आजकल एंजाइटी बहुत से लोगों को है, बहुत से दुनिया को लाहक है, क्योंकि एंजाइटी इस वजह से कि हम फ्यूचर में अभी जो बात कर रही थी ये बात ये था कि कॉलर जो बात कर रही थी वो बात ये है, असल में ये एंजाइटी कहते हैं इसको, इसको स्ट्रेस नहीं कहते, स्ट्रेस एक अलग चीज़ है, एंजाइटी अलग चीज़ है, कि फ्यूचर में जो भी कुछ मुझे मिलने चाहिए उसके बारे में घबराहट होते हैं उनको, कि पता नहीं होगा, मुझे नहीं होगा, क्या होगा, नाकाम हो जाएंगे और बहुत बुरा हो जाएगा, उनको एंजाइटी कहते हैं। यानी ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, मगर उसको मनफी लेना उसे एंजाइटी कहते हैं, यानी उसको मनफी तौर पे और हमेशा अपने ऊपर हमेशा जहन में रखना नेगेटिव, जो फ्यूचर में हम कोई इवेंट कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो पढ़ने की बात है, स्टडीज़ की बात, अब एक शख्स इम्तिहान में नाकामी का सोच रहे हैं हमेशा, तो वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, नाकाम हो जाऊंगी, और इस तरह के इम्तिहानात की जो हालात होते हैं, और इस तरह हर इंसान इम्तिहान का इम्तिहान में है, क्योंकि आज सिर्फ बच्चे नहीं, दूसरे लोग भी इम्तिहान में है, जो बड़े लोग हैं वो भी बड़े बड़े इम्तिहान में है, बिजनेस का उनका है और रिश्तों का है, जो रिलेशनशिप्स है उसमें नाकामियों के उनको होती है, कभी कोई गलत बात कह देते हैं तो वो इतना अपने पे
स्ट्रेस लेते हैं कि फ्यूचर में पता नहीं इसका नतीजा क्या होगा, फ्यूचर में मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगी और उस वो मुझे क्या हो जाएगा, इस तरह की उनको एक कॉन्फिडेंस के अपने आप को भी डाउन करता है और एंजाइटी का भी शिकार हो जाता है, स्ट्रेस का भी शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो, मैं तरीका बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह ज़रूर, कि सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि एंजाइटी क्या है। एंजाइटी पास्ट की भी कुछ चीज़ें जो वाक़यात होती है उसका भी है, पास्ट की जो वाक़यात है और फ्यूचर की जो वाक़यात है, फ्यूचर में जो भी आने वाला है उसके बारे में भी है, लेकिन पास्ट में भी कुछ ऐसी जगहों पे हमें हमें घबराहट होती है, जहाँ हमसे कुछ गलतियाँ हुई या कुछ बुरा हुआ या किसी ने बुरा किया, इस इवेंट्स को जो पीछे हो चुके हैं वो भी इंसान को ये फ्यूचर में तसव्वुर करते हैं कि फ्यूचर में शायद मुझे बहुत बुरे वक्त आने वाला है, क्योंकि पास्ट में जो मैंने बुराइयाँ किए तो फ्यूचर में भी मुझसे होंगे, लाजमी होंगे। उनके तसव्वुर में, उनके माइंड में ये होती है कि फ़लाँ जगह पे मुझसे ये गलती हो जाएंगे, फ़लाँ जगह पे मेरे साथ ऐसा होगा, फ्यूचर मेरे ब्राइट नहीं होंगे, फ्यूचर मेरे ख़राब होंगे और मेरे ख़राबियाँ आते रहेंगे और बुराइयाँ आते रहेंगे ज़िंदगी में। और उस पे जब इंसान फोकस्ड रहते हैं तो उस सूरत में इंसान की ज़िंदगी बहुत अजीरन तरफ ले जाते हैं, यानी इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, नाकामियों में जाते हैं। क्योंकि नाकामियों में जब इंसान जाते हैं तो नाकामियों में का यही होता है, एक आई थिंक कॉल होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मेरा नाम जावेद है, गुजरावाला से बोल रहा हूँ। जी जावेद साहब, क्या कहना चाहते हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो क्या थोड़ा सा मुझे बता देंगे ये एंजाइटी स्ट्रेस के कुछ इससे बचने के लिए, क्योर के लिए कोई टिप्स काइंडली बताएंगे? जी बिल्कुल, अभी मैं बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह नेचुरल तरीके से हम एंजाइटी एंड स्ट्रेस को कैसे क्योर करें, किस तरह इस चीज से निजात पाए। ठीक है सर। जी थैंक यू वेरी मच सर। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अपने नोहो के लिए जानना चाहता हूँ, हाउ आई कैन रीच और नो अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन सर, अगर कोई ऐसा है तो आपके बारे में बता देखो, मैं कोई नेट पे या कोई बुक्स वगैरह सर थोड़ा एडवाइस करेंगे? जी बिल्कुल, बुक्स है, मैंने बुक्स लिखी है, आप बुक्स भी ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को भी agilesciences.com drabdulsamad.com को आप विजिट कर सकते हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत यू आर वेलकम, अल्लाह हाफिज़। बहुत दबाव में आना, हम बात कर रहे थे कि फ्यूचर में जो भी इवेंट्स लोग देखते हैं कि ये इवेंट होने वाला है, ये ऐसा होगा, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, तो उस वजह से उनको घबराहट होते हैं। एंजाइटी में घबराहट जहनी, यानी वो घबराहट जो फ्यूचर में आपके साथ कोई इवेंट होने वाला है या होता नहीं है, आप खुद अपने आप को घबराहट में ले जाते हैं, तो उस वजह से। तो इसका सबसे ज़रूरी ये है कि हम हर किसी को गाइड भी कर सकें और हर किसी को हम गाइडेंस लें उससे। इसका इलाज क्या है? इलाज इस तरह है कि सबसे पहले तो आपको कुछ माहिरों को रुजू करने होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं या कोई भी ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप रुजू करें, और जो अदर्स आपको गाइड करेंगे वो बेहतरीन तरीके से होंगे, जो दूसरे लोग आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को जो है ना उससे निजात लाएंगे, उसका आपका इलाज करेंगे वो बेहतर होगा। मगर मैं नेचुरल तरीके से आपको बेहतरीन टिप्स बताऊंगा, और अभी मैं ये सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्या आप स्ट्रेस का शिकार हैं? क्या आप एंजाइटी का शिकार हैं? क्या आपके इर्द गिर्द कोई एंजाइटी या स्ट्रेस के शिकार हैं? क्यों है, कैसे है, किस मसले में
वो किस चीज़ पे ज़्यादा उनका है, क्योंकि स्ट्रेस इंसान के हेल्थ को बहुत ख़राब करते हैं, इंसान के बिजनेस को और बहुत सी चीज़ों को ख़राबी की तरफ ले जाता है। एंजाइटी भी ऐसा है, नाकामियों से रोकता है इंसान को, अब कामयाबी होना नहीं देते हैं जो एंजाइटी है। स्ट्रेस भी एक बहुत बदतरीन बीमारी है जो आपके सेहत को इंतहाई ख़राब करते हैं, और बल्कि साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल दोनों इंसान खराब, ये दोनों नफसियाती बीमारियां हैं, ये दोनों नफसियाती बीमारियों में हिसाब किया जाता है। ये जानना ज़रूरी था, और अब मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इसके बारे में टिप बता दूँ कि किस तरह के हम सबसे पहले स्ट्रेस से हम किस तरह निजात पाएँ। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस तो आपने जान लिया कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस से निजात कैसे पाएँ हम। स्ट्रेस से सबसे जो आजकल जो बेहतरीन नेचुरल तरीका मुरवज है दुनिया में, और जो बहुत रिसर्च है इस पर, और जो रिलैक्सेशन के तरीके बताते हैं, मेडिटेशन के तरीके बताते हैं, और वो तरीके ऐसे है कि मेडिसन आपको ज़्यादा लेने पर, यानी नेचुरल तरीके से मेडिसन नहीं लेते, लेकिन अगर आप साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो ज़ाहिर है आपको मेडिसन तजवीज़ करते हैं, और अगर नेचुरल तरीके से आपके स्ट्रेस का इलाज होता है तो ज़रूर करें, मगर अगर इसमें नहीं है तो आप ज़रूर साइकाट्रिस्ट को आप के साथ रुजू करें, और वो आपके मेडिसिन से स्ट्रेस का इलाज है, मगर नेचुरल तरीके से हो तो आपको मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से बच जाएंगे, और ये डॉक्टर भी आपको तजवीज़ करेंगे, लाजमी साइकाट्रिस्ट भी आपको करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आपको करते हैं, तमाम जो मैं अभी तरीका आपको बता रहा हूँ जो दुनिया में मुरवज है, जो हर चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, वो तरीका है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन आप बड़ी अहम तरीन है आपके लिए, रिलैक्स होना, रिलैक्सेशन इंतहाई ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। रिलैक्सेशन के तरीके मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह करें कि एक तरीका तो ये है कि मैं जो जितने पेशेंट पे मैंने आजमाए, हज़ारों पेशेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आजमाया और ठीक हो गए, क्योर हो गए, वैसा हमारा दूसरे तरीका जो है वो है समदा हीलिंग एनर्जी। समदा हीलिंग एनर्जी से अल्हम्दुलिल्लाह 99% जो है वो रिमूव हो जाता है एंजाइटी एंड स्ट्रेस, अवैधता, क्रोनिक डिप्रेशन, समदा से क्रोनिक डिजीज़ का इलाज होता है। समदा हीलिंग सिस्टम आप विजिट कर सकते हैं, समदा हीलिंग एनर्जी या समदा हीलिंग .com पे आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मैं आपको स्ट्रेस की जो तरीका है, एंजाइटी की जो तरीके है, सिर्फ इसी पे बात करेंगे। छोटे से ब्रेक, ब्रेक के पास वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद, और आप भी हम इस पे बात करेंगे कि नेचुरल तरीके से हम किस तरह स्ट्रेस, दबाव और छोटी बूढ़ी जो टेंशनें होती है उससे कैसे निजात पाएं। नाज़रीन, सबसे पहले वो लोग जो स्ट्रेस एंजाइटी के शिकार नहीं भी है, एक तरीका जो है जो ज़िंदगी में आपको हो सकता है ये घबराहट ये चीज़ें आ सके, अगर आप में नहीं है, मैं एक तरीका बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़रूरी जो हम जो लोगों के काउंसलिंग करते हैं उनको एक बार क्लेरिटी होनी चाहिए इसकी कि ये आते कहाँ से, क्यों होती है, ये इस पे हमने बात कर दी है, मगर फ्यूचर को सबसे ज़्यादा अगर आप उस तरीके को अपनाएं कि आप फ्यूचर की जो खूबियाँ हैं, जो फ्यूचर में ब्राइट आपको नज़र आनी चाहिए, तस्वुर करनी चाहिए, एक टाइमलाइन एनएलपी में जो होते हैं टाइमलाइन हम बनाते हैं, और टाइमलाइन के बाद जो है एक कॉल होल्ड पे है, कॉल लेते हैं उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
जी कौन बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर नईम अंसारी बात कर रहा हूँ, आपका स्टूडेंट। जी नईम अंसारी साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आपको इंटरव्यू पे भी आज माशाल्लाह तशरीफ लाए। जी बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत खुशी है। मुझे उम्मीद है कि हर किसी को मेरे पैगाम पहुंचेंगे इस चैनल के थ्रू। और शुक्रिया इंडस चैनल की मैनेजमेंट का। जी क्या कहना चाहते हैं? स्ट्रेस एंजाइटी, स्ट्रेस और एंजाइटी के बारे में मैंने जो कुछ आपसे पढ़ा है वो माशाल्लाह बड़ा हमें यानी कि हमेशा याद रहेगा। और आपने जो हमने प्रैक्टिस कराई है कि जी मुख्तलिफ लेवल जो समझा के हैं जी, उससे जो यानी कि स्ट्रेस और एंजाइटी बिल्कुल यानी कि ठीक हो जाते हैं। आदमी को जो रोजमर्रा में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्स्ट्रा वर्कलोड है, फैमिली के प्रॉब्लम है, बच्चों का है, दूसरे तीसरे मसले हैं, तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ये सत्ता से बिल्कुल क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। वो आपके अंसारी साहब ट्यूनिंग आप लोग करते हैं यहाँ पे जी बिल्कुल क्लासरूम में जी, वो आदमी के अंदर जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। सही सही। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जब आदमी का आता है तो फिर जाहिर है उसमें एंग्जायटी या स्ट्रेस तो कुछ रहेगा ही नहीं। वो तो आदमी बिल्कुल जब कूल माइंडेड हो जाएगा तो वो स्ट्रेस कहाँ से लेगा। बिल्कुल अंसारी साहब, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो लोग, वो नाज़रीन जो अभी घर पे बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनका इलाज हो और उनके वो हो, हमने उस पर बात करनी है। क्योंकि समदासी तो बिल्कुल आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह 99% समदासी क्योर हो जाता है बीमारियाँ। ये बिल्कुल आपके दुरुस्त है आपकी बात। समदा हीलिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह, इलाज का तरीका है और बेहतरीन। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ऐसे चीज़ों से निजात होता है। एक तजर्बा नहीं है, तकरीबन लाखों लोगों का तजर्बात है इस पर कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ठीक होता है। क्योंकि वो डीपली आपको रिलैक्स करते हैं, डीपली रिलैक्सेशन में ले जाता है, डीपली मेडिटेशन में ले जाते हैं और आपको इस चीज़ों से निकाल लेते हैं। क्योंकि वो एक नेचुरल एनर्जी है, पावर है जो कनेक्ट करता है इंसान को नेचर के साथ। मगर अभी हमने अंसारी साहब लोगों को ये बताना है कि वो घर बैठे कैसे इलाज करें, ठीक है? वो घर बैठे वो तो आपसे सीखना पड़ेगा ना, अटूनमेंट देनी पड़ेगी। जी वो तो मेरे पास लोगों को आने होंगे, जाहिर है सेमिनार्स को अटेंड करने होंगे कराची, इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में, लाहौर में। तो इस पे तो अभी हम बात नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह जो ज़रूर मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह जो हमारे जो समदा का मौजू होगा उस पर फिर बात करेंगे कि वो कैसे नेचुरल तरीका है। सही है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यार बल जी। नाज़रीन अभी हम बात कर रहे हैं कि हम इस स्ट्रेस एंजाइटी का किस तरह के इलाज करें, नेचुरल तरीका। डीपली रिलैक्सेशन लेनी होगी आपको, डीपली रिलैक्सेशन लेनी होगी। ज़्यादातर लोगों को, ऐसे लोगों को जो मीडिया से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ लोगों की रात को ड्यूटी होती है, क्या करें बेचारे, खिदमतें करने होते हैं उन्होंने। और ऐसे जो रात को काम करते हैं ज़्यादातर लोग, उनको स्ट्रेस आते हैं क्योंकि अननेचुरल लाइफ है। और ऐसे लोग भी हैं मीडिया के अलावा भी, ऐसे लोग हैं जो कि मीडिया वर्कर्स के अलावा भी जो कि रात को जागते हैं, दिन को सो जाते हैं। बल्कि आजकल तो बच्चे भी रात को जागते हैं। मैं देखता हूँ कि फेसबुक पे मैंने देखा कि लोग 4 बजे 5 बजे आता इस तरह के तक जागते हैं और चैटिंग वगैरह पे लगे हुए हैं लोग और बड़ी प्रॉब्लम में है। तो बात यह है कि ज़ाहिर रात को उन्होंने जागना होगा और दिन को उन्होंने, अगर उन्होंने काम पे जाना है तो उनका कैसे होगा कि फ्रेश नहीं होंगे, तरोताज़ा नहीं होंगे, काम कैसे होगा उनसे। तो ज़ाहिर है उनको फ्यूचर का ख़तरा होता है, एंजाइटी की शिकार हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, रिलैक्सेशन नहीं है, दबाव में है, उन्होंने खौफ है किसी से मिलना है किसी से, क्या आजकल जो यंगस्टर जो हमारे जो तबका है उनके बेचारों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आजकल, कि उन्होंने बस कंप्यूटर पे काम करना और रात को जागना और इस तरह के। वालिदैन भी इस तरह होते हैं जो कि बच्चों को ऐसी तरबियत दी हुई है, क्योंकि वो खुद जागते हैं, टीवी देखते हैं या कुछ और,
रात को जागते हैं तो ज़ाहिर है बच्चों ने भी जागना होता है, तो इसलिए ऐसे लोग जो प्रॉपर रिलैक्सेशन उनको नहीं है वो क्या करें, उनको मैं तरीका बताता हूँ कि सोने से पहले मेडिटेशन करें लाजमी, योगा करें, योगा भी बहुत अच्छा है। कुछ आसन है जो कि आपको आसन जो मेरे बुक्स में भी आपको मिलेंगे, कुछ आसन है जो कि उसे जो है ना शिव आसन कहता है, जो डीपली रियलाइज करता है इंसान को, और युगराज समधि कहते हैं उनको, उसमें बहुत कुछ है जो कि आपको स्ट्रेस से एंजाइटी से निकाल लेते हैं। ये इंडस योगा भी है, आप इंडस योगा जो है उसको भी आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल में सुबह सुबह होते हैं, मुझे टाइम का पता नहीं, योग्य वजाहत होते हैं वो आपको बता सकता है स्ट्रेस के, टेंशन के, और इस तरह चीज़ों से कैसे निजात पाएं। एक कॉल होल्ड पे, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ हैं? कामरान सुल्तान बात कर रहा हूं। कामरान सुल्तान साहब कैसे हैं आप? अच्छे हैं। हमारे साथ नाज़रीन एक बहुत ही पॉपुलर और एनएलपी के पाकिस्तान में एक फर्स्ट वाहिद एक शख्स है जो ईएसपी सिस्टम और सिल्वा अल्ट्रा माइंड के माहिर है। ये बेहतरीन एक मालिज है जो स्ट्रेस और एंजाइटी का एक बेहतरीन मालिज है जो कि पाकिस्तान में एक वाहिद शख्स है। हम उनसे लाइन पे है। कामरान सुल्तान साहब क्या कहना चाहते हैं एंजाइटी और स्ट्रेस? अच्छा हुआ कि आपसे इसी वक्त पे गुफ्तगू हो रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। क्या कहना चाहते हैं? पहले मैं आपका प्रोग्राम अभी देख रहा था, बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। मैंने नोट किया कि आप माशाल्लाह ऐसे हमेशा टॉपिक से बात करते हैं जिसपे लोग सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, और मुख्तसर वक्त में आप कोशिश करते हैं कि लोगों को कोई ना कोई उसका सोल्यूशन दिया जा सके। सही, बिल्कुल। स्ट्रेस के हवाले से जैसे डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा जैसे आपने कहा मेडिटेशन, इसी तरह किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन की जो एक्सरसाइजेस होती है जी, बहुत जैसे मतलब हमने सिल्वा में कई एक्सरसाइजेस करते हैं, आप आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बैठ जाइए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, उसके बाद 50 से 1 तक या 25 से 1 तक उल्टी गिनती गिने, और तस्वर करेंगे जैसे आपके ऊपर किसी इंतहाई पुरसकून करने वाली रंग की रोशनी जैसे बढ़ रही है, या आप किसी झरने के नीचे जैसे खड़े और आपको पूरा जिसम ऊपर से नीचे तक रिलैक्स हो रहा है, और आप इसको रोजाना करेंगे आप देखेंगे कि 3 से 4 मिनट की एक्सरसाइज के अंदर आप अपने आप को बहुत ही डीपली रिलैक्स कर पाएंगे। और हमेशा करके कि अपने आप को अपने जहन में हमेशा वैसा तस्वर करें जैसे आप चाहते हैं आप। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ ये कि कामरान सुल्तान साहब न तन्हा कि ईएसपी सिस्टम सिल्वा अल्ट्रा माइंड की माहिर है, बल्कि पाकिस्तान में एक बेहतरीन माहिर और फर्स्ट इंस्टीट्यूट है इनका एक बेहतरीन सा, बल्कि ये माशाल्लाह जो एनएलपी का है, एनएलपी का भी पाकिस्तान का एक वाहिद शख्स है जो जो लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर है, तो इसलिए मैं बताना चाहता था। कामरान सुल्तान साहब, एनएलपी के हवाले से और सिल्वा मेथड्स के हवाले से कुछ कोई टेक्निक्स आप बता सकते हैं? डॉक्टर साहब, एनएलपी में कई टेक्निक्स हैं जो कि स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए यूज होती हैं। जी, मैं भी लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर एनएलपी का हूँ यूएसए से, और कामरान साहब से भी हमारे बहुत से कुछ हमने सीखा है। कामरान साहब एक बहुत ही मुखलिस और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जो कि आप उनसे अगर एनएलपी सीखना चाहते हैं, सिल्वा के बारे में सीखना चाहते हैं, तो बेहतरीन माहिर है पाकिस्तान में। मगर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताना चाहता हूँ। ये टेक्निक्स है जो कि इस तरह है कि आप टाइम लाइन की बात है एनएलपी में, कि एक टाइम लाइन बनाएँ, फ्यूचर आपके राइट हैंड में है और आपके जो पास्ट है वो आपके लेफ्ट हैंड में है। एक टाइमलाइन जब बनते हैं, टाइमलाइन के बाद आप जहां जो इवेंट अभी आने वाला है, मिसाल के तौर पे अगर आप स्टडी से आपको एंजाइटी है कि मैं नाकाम हो जाऊंगी, नाकाम हो जाऊंगा, तो आगे आप उस वाक्य पे जाओ कि आपने इम्तिहान दिया, कामयाब हो गए, उस वाक्य से एक दिन पीछे जाएँ कि आपको क्या खुशी है, कितनी खुशी है आपको, कितने आप वापस आए अपने
हाजिर में वापस आए, इसी तरह तसव्वुरात करते रहें और फोकस आप रहें, हमेशा फोकस रहें आप अपने अच्छाइयों पे, खूबियों पे, एक्सलेंसेस पे। जब आप बुराइयों पे इंतहाई फोकस रहेंगे उस सूरत में आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होती है या फिर उसका इलाज बड़ा मुश्किल होती है कि आप अगर फिर भी उस चीज़ों पे रहेंगे उस घबराहट में उस चीज़ों को। इसलिए एक और तरीका ये है कि आप मेडिटेशन करें, मुराकबा करें, मेरे बुक्स में भी पढ़ सकते हैं डिप्रेशन का जदीद तरीका इलाज, मौराई उलूम का खुलासा और अमल, आप किसी भी स्टोर से, आप अपने करीबी स्टोर से ले सकते हैं। साथ हमें हमारे वेबसाइट को भी विज़िट करें, फेसबुक पे हमें ज्वाइन करें और साथ ही हमें यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम आपसे मिस हुआ है तो यूट्यूब पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और एंजाइटी का और स्ट्रेस पे हमने बात करते हैं, ये कंप्लीट हो गया कि इसका इलाज जो है डीपली रिलैक्सेशन है और अपने अच्छाइयों पे फोकस रहना, अपनी खूबियों पे फोकस रहना। ज़्यादातर जो है ना आप रिलैक्सेशन के और रात को सोने से पहले जो बाकी ग़िज़ा के हवाले से दही बड़ी अच्छी चीज़ है, ताकि डीपली नींद भी ले जाते हैं आपको, हल्की ग़िज़ा लें, बहुत ज़्यादा मुर्गीन चकनी चीज़ें ना लें और जो फास्ट फूड है ये भी ना लें क्योंकि वो भी दबाव का शिकार करता है इंसान को। फल ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ ही जो है ना डीपली रिलैक्स करें। दीन के हवाले से सूरह फातिहा, सूरह इखलास एक बेहतरीन आपके लिए बेहतरीन है और बेस्ट है, क्योंकि वो पढ़ते हुए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 बार पढ़े, डीपली रिलैक्स आंखें बंद करें, पढ़ते जाएं डीपली रिलैक्सेशन, उसके बाद तसव्वुर करें कि अल्लाह के नूर आप पर बरस रहे हैं और अल्लाह का नूर आपके वजूद में आ रहे हैं और आपकी दुनिया को मुनव्वर कर रहे हैं। बेहतरीन तरीका ये भी है जो स्ट्रेस से आपको निजात देते हैं। अल्लाह पे भरोसा रखें, आगे बढ़ें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएँ, बहुत सी चीज़ों से आप निजात पाएंगे, इंतहाई आप बुरे बुरे हालात से निजात है। और एक चीज़ याद रखे, क्लियर करें कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर इंसान के साथ होती है, क्योंकि मुश्किल तो आते रहते हैं। अगर आप इससे नाकामी से डरते हैं तो ये नहीं, क्योंकि कुछ जो दुनिया के अजीम लोग हैं वो नाकामी को कहते हैं खुश आमदीद, ताकि मैं लड़ूँ आपसे, मेरी बॉडी भी काम करे, मेरी जहन भी काम करे, मेरे दिल भी काम करे। लड़ते लड़ते वो मंजिल को तय करते हैं और कामयाबी को हासिल करते हैं। प्रोग्राम का वक्त नहीं है नाज़रीन, कल मिलेंगे प्रोग्राम में। अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।